देख लो भाई। तो अभी देख लो गाइज, टाइम 12 बज चुके हैं, 12:03, और ये है गाइज पंथाघाटी का बस स्टैंड। तो यहाँ से मिलेगी गाइज ढली के लिए बस, तो 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा, आज आपका भाई बस में ट्रैवल करेगा। लो आए, पूरा क्रैक हो चुका है, पंचर हुआ होगा टायर, ये वाला टूट गया सारा। लो आए, एक घंटा हो गया मेरे को यहाँ पे बस का वेट करते हुए, और टाइम देख लो भाई 12 बजे से वेट कर रहा हूँ बस का, और 1 बज चुका है, अभी तक बस नहीं आई। कॉल करी थी मैंने HRTC ऑफिस, तो उन्होंने बताया कि 1 बजे तक बस पहुँचेगी, वो भी गवर्नमेंट बस HRTC वाली, तो वो मिलेगी ढली तक, फिर ढली से मेरे को दूसरी बस चेंज करनी पड़ेगी कुफरी के लिए। तो देख लो भाई बस में कितना स्ट्रगल रहता है व्लॉग बनाने का, संडे टू संडे बसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है शिमला में। अगर गाइस गाड़ी होती तो शायद इतना वेट भी ना करना पड़ता मुझे, बट चलो कोई ना, देखते हैं अब क्या बनता है। गाइज इस वाली बस में आया मैं, और टाइम देख लो 1:30 बज चुका है, और ये है टनल, तो यहाँ से मिलेगी भाई ढली के लिए बस, अब दूसरी बस मिलेगी यहाँ से, एक बस चेंज करी हमने, अब दूसरी लेंगे यहाँ से, और ढली से मिलेगी फिर कुफरी के लिए। यहाँ से स्नो दिखना स्टार्ट हो चुकी है, इस वाली साइड पड़ी है स्नो गाइज, ये वाली इलेक्ट्रिकल थी, तो ये पहुँच चुके हैं गाइज ढली, और यहाँ से मिलेगी कुफरी के लिए बस इस वाले पॉइंट से। इस वाली साइड की स्नो पड़ी है, वो देख लो थोड़ी थोड़ी रही है, बाकी धूप की वजह से पिघल गई स्नो यहाँ पे, थोड़ी बहुत स्नो आपको यहाँ पे मिल जाएगी देखने को, रोड के बिल्कुल साइड नीचे वाली पहाड़ी पे। तो फाइनली गाइज आपका भाई पहुंच चुका है कुफरी, और ये देख लो भाई आपको स्नो वगैरह देखने को मिल जाएगी यहाँ। हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून, तो आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो भाई देख लो 12 बजे का चला हुआ हूँ मैं, और देख लो यहाँ पे 2:45 हो चुका है टाइम। तो भाई बस में ऐसी दिक्कतें आती हैं, ये जो गाइज सारे में स्नो पड़ी हुई है, तो ये भाई
लोहड़ी को पड़ी थी। इस वाली जगह पे देख लो भाई कितनी स्नो है, सबसे ज़्यादा स्नो है इस वाले एरिए में। फर्स्ट टाइम आया आपका भाई यहाँ कुफरी। और ये देख लो भाई ट्रैफिक कितना है यहाँ। आज तो वैसे मैक्सिमम गाड़ियाँ आ रही हैं और जा भी रही हैं क्योंकि रोड गीली है, बट स्नो नहीं है, तो धूप की वजह से जो है स्नो पिघल चुकी है थोड़ी बहुत। बाकी रोड इन्होंने मशीनों द्वारा साफ़ हो चुके हैं। और ये थी भाई मशीनें स्नो वाली जो रोड से स्नो को हटाती हैं। मंत्री भी आया और एक सबसे बड़ा सीन हो गया, मेरे को भाई कुफरी का पता ही नहीं था और मैं 2 किलोमीटर कुफरी से पीछे ही उतर गया। सीन ऐसा हुआ कि मैं कभी लाइफ में कुफरी नहीं आया हूँ, तो फर्स्ट टाइम मैं कुफरी आया और वो भी अकेला। भाई देखो जब आपका काम है तो आपको भाई जाना है पड़ेगा, कोई आपका साथ देगा कोई भी हो, चाहे जितना मर्जी यारी दोस्ती हो भाई, जो रियलिटी है वो यही है कि जिसकी जेब में गांधी सब भाई उसके दीवाने। और देख लो भाई अभी मैप लगाया हुआ है मैंने, चलो बाकी छोड़ो एंजॉय करते हैं। देख लो भाई मैप पे 17 मिनट बता रहा है 2 किलोमीटर का सफ़र है भाई कुफरी का। लाइफ में पहली बार आपके भाई ने मैप का यूज़ किया भाई, कसम से मशोबरा नाल दे रहा तो मैं बहुत घूमा हूँ बट इस वाली साइड आया नहीं कभी। चलो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। एक अंकल मिले मेरे को, मैंने उनसे पूछा, वो बोल रहे हैं कि आप कुफरी में घूम रहे हैं और मैप बता रहा है कि आप कुफरी से 2 किलोमीटर पीछे हो, कुफरी 2 किलोमीटर आगे है। स्नो वगैरह का तो देख लो भाई, बाकी तो रोड रोड पे तो पिघल चुकी है, ऊपर मिलेगी आपको पहाड़ों पे। क्राउड चेक करो भाई कुफरी में, रोड तो सारा गीला ही है। यहाँ से चलते हैं भाई आगे की तरफ। क्राउड तो आप चेक कर सकते हो कि कितनी गाड़ियाँ हैं और कितना ट्रैफिक है यहाँ, बहुत ज़्यादा पब्लिक आई है भाई बर्फ़ देखने। उतनी ज़्यादा बर्फ़ तो है नहीं यहाँ पे गाइस। आपको एक बोर्ड मिलेगा, ठियोग यहाँ से 15 किलोमीटर है, नारकंडा 48 और रामपुर 114, कुफरी 0.3 और जायल 5। कहाँ का एरो दिया है इस वाली साइड का, अब देखते हैं कहाँ निकलता है ये रास्ता जाके। इसे यहाँ से लेना पड़ेगा आपको राइट, ये वाला रास्ता तो रामपुर के लिए चला गया, तो यहाँ से चलेंगे ऊपर। और लोग भाई पूरा मज़ा कर रहे हैं, आपका भाई घूम रहा है अकेला, रोड तो भाई बिल्कुल ही गीले हैं। देख लो बंदर भी आ गया, फिसले ना भाई, ध्यान से आओ अगर आप भी कुफरी जाने का प्लान कर रहे हो। आज है भाई 15 तारीख और लगता है बारिश पड़ना शुरू हो गई, मेरे को लग रहा है ऐसा। और ऊपर देख लो भाई, फिलहाल तो धूप है बट यहाँ के मौसम का पता नहीं चलता। यहाँ पे नालियाँ साफ कर रही हैं, ये देख लो भाई, रोड के साइड ही मिलेगी आपको पर बाकी नहीं मिलेगी कहीं भी। ये देख लो, आप टैक्सी भी हायर कर सकते हो, आपको जिप्सी वगैरह भी मिल जाएगी। और पीछे देख लो भाई कितनी सुंदर जिप्सी गई, पूरा ऑफ रोड किया हुआ है भाई ने। पेड़ों पे भी हल्की हल्की स्नो है भी। आपका भाई एक ऐसे पॉइंट पे है ना, क्या बताऊँ मैं आपको, बर्फ़ चेक करो पहले तो। ये देखो भाई स्नो, यहाँ पे तो भाई ये स्नो पक्की हो चुकी है, पाँव फिसल रहे हैं। ये है गाइस वो रास्ता रामपुर वाला आगे।